सामने देखो पतंग कट के आई है काफी लंबी, और डोर इसके यार मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन पतंग जो है पेड़ में गिर गई, तो डोर सामने ही होगी। अभी निकालते हैं इसे, दिखाते हैं कैसी पतंग है। आ गई, तो डोर मेरे हाथ में रही, पतंग सामने रही, और ये है कुछ पूछ वाली पतंग जिसमें पत्ता नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छी पतंग है। पहली पतंग लूटी है वाली छत से, पेज चलता हुआ नीचे से हमारी पतंग, ऊपर से अपोनेंट आ रखा है, गद्दा रखा, मैंने वेट करा, बाहर का क्रॉस मारा काफ़ी ताकत से और काट दिया ये वाला पेच। छत में चढ़ के आया और इतनी देर में देखो पतंग भी कट के आ गई पीछे से। ये भाई काफ़ी लंबी है पतंग यार, इसकी डोर नहीं दिख रही है मुझे फिलहाल। जो पतंग है ना वो सामने पेड़ में गिर गई है। अभी मैं जाता हूँ आगे वाली छत में, वहाँ पर सारी डोर हो तो पतंग पतंग निकालेंगे। पीछे से कट के आई थी यहीं से, ओके। पीछे काफ़ी पतंगबाजी हो रही, शाम हो चुकी है, हम आए अपनी पुरानी छत में, अपनी सबसे अच्छी छत, फेवरेट छत आप लोग की हमारी भी, तो पतंग निकालते हैं आगे जाके दिखाते हैं आपको। सामने तो मैं आ गया हूँ, लेकिन डोर ये देखो, डोर ये लटक के जा रही थी उस समय तो मुझे दिखी नहीं, लेकिन यहाँ से मुझे डोर दिख गई है, तो उठा लेते हैं डंडा। आ गई भाई, ये देखो पतंग सामने है, डोर मेरे हाथ में, लेकिन यार ये किसी चीज में फंस गई है ऊपर, ये देखो पतंग तंगी रही। तो भाई अपनी पतंग निकालते हैं, अबे पेड़ में फंस गई यार ये तो, अब मुझे लग रहा मांझा जाना टूट जाए कहीं। आ गई आ गई, तो पतंग आ चुकी है, फिर फंस गई, एक बार छत में गिरा लूँ फिर दिखाता हूँ, ये रही। चलो पतंग दिखाते हैं आपको, काफ़ी तेज़ धूप पड़ रही है एकदम मेरे चेहरे पे, धूप बहुत तेज़ है इस टाइम, शाम के भी 6 बज रहे लेकिन धूप बहुत तेज़ है। तो ये कुछ पतंग थी आपकी, और पतंग का डिज़ाइन मुझे कमेंट करता, तो भाई ये कौन सा डिज़ाइन है, मुझे तो यार नाम ही नहीं पता इसका, मांझा ये रहा, और इस डिज़ाइन का तो मुझे नाम भी नहीं पता। बड़ा यूनिक सा डिज़ाइन है पिंक और वाइट में, लेकिन पतंग कुछ भी कहो देखने में अच्छी लग रही, काफ़ी अच्छी, जिसने भी डिज़ाइन सोचा होगा ना काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन सोचा है। पुच्छल पतंग है पूछ वाली, तो पहली पतंग आज की यही वाली पार करेंगे। सामने पतंग थी पेड़ में, निकाल लिए, मज़ा आ गई, काइट लूटिंग कर ली, अब काइट कटिंग करके आप लोग को दिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल काइडर ऑफिशियल। ये बोल में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरी छत में आते ही ना पतंग कट के आ गई थी, तो मैंने सोचा पहले पतंग लूटते फिर आपको इंट्रो देंगे। तो यहाँ पे यही पतंग थी जो हमने लूटी थी, और यही वाली पतंग हम पार कर देते हैं क्योंकि और कोई पतंग के तो अभी करने बंदे नहीं है, तो यही वाली पतंग करते हैं पार। आगे हो रही काइट फाइटिंग काफ़ी अच्छी, मेरे सर के ऊपर ही पतंग है, आगे भी पतंग है। ये छत ऐसी है ना कि यहाँ पे आपको चारों तरफ पतंग देखने को मिलेंगी। तो उड़ाते हैं पहला पेज, आपको लड़ा के दिखाते हैं फिर। पतंग हो चुकी है पार, और पीछे से चार खाने वाला ही लड़ाने आराम से, हवा थोड़ी सी हल्की है इस समय, लेकिन जैसी शाम होगी हवा और अच्छी निकलेगी। तो अपोनेंट देखो ऊपर से, हमारी पतंग नीचे से, और ना ये बंदा एकदम मेरे पीछे से उड़ा रहा है, कन्ने ही फंसा लेता हूँ इसके, रख दी बाहर के ही, गद्दा मारा उसने, मैं चक्कर दे रहा हूँ, फिर पेज बचा लिया उसने यार, पेज ही नहीं हुआ यहाँ पे। अगर वो थोड़ा सा बाहर को निकलता तो शायद मैं पतंग अपनी डाल देता उसके ऊपर, लेकिन पेज हो नहीं पाया। दोबारा से ट्राई करते हैं, अपोनेंट बाहर के निकल रहा है, हम रुके, हमने भी चक्कर डाले, अंदर की दिखाई, अरे यार कट गई यार एक मिनट में, बस मैं अंदर की दिखा के रोकने ही वाला था पतंग, चक्कर देता मैं उससे पहले हमारी पतंग कट गई। कोई नहीं, यहाँ पे पहली पतंग हमारी कट चुकी है, तो हमने यहाँ पे अपनी सेकंड पतंग पार कर ली है। तो राइट साइड के अंदर मेरी पतंग है नीचे से, और ऊपर से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर के अंदर, और ये बंदा हमारे लेफ्ट हैंड साइड से है, और पेज भी अच्छा खासा लंबा लड़ रहा है, तो आपको देखने भी मज़ा आएगा और हमें लड़ाने भी मज़ा आएगा। काफ़ी ज़्यादा हाथ की तरफ बढ़ते हुए आया अपोनेंट, फिर खड़ी करके दिए पूरी,
देखो अगर आप खड़ी करके पतंग देते हो तो आपके दो ऑप्शन, या तो आप बाहर की चपटा खींच दो जैसे कि मैंने खींची ये करके, या फिर आप अंदर की रगड़ दो। यहाँ पे मेरे पास दूसरा ऑप्शन मैंने करा, बाहर की चपटा खींची और आराम से वाला पेज काट दिया। तो आज की वीडियो का पहला पेज काट दिया ब्लैक वाली पतंग से, और भी पतंगें उड़ेंगी राइट हैंड साइड की तरफ, उनकी तरफ भी लेके चलते हैं। एक और पेज नीचे से हमारी पतंगी रेड सर्कल के अंदर, और ऊपर से अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर। ये बंदा भी लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है, पतंग थोड़ी सी मैं लंबी निकाल के लड़ा रहा हूँ। भाई यहाँ के बंदे बताऊँ क्या कर रहे हैं, आजकल गद्दा ही नहीं रख रहे हैं यार, बहुत देर के बाद गद्दा रखते हैं। फिर रखा बाहर गद्दा, हमने सीधी बाहर खींची और आराम से वाली पतंग भी काट दी है। तो दो पतंगें पूरी काट दी इस वाली पतंग से, और वो कट के जा रही, देखो अपोनेंट की पतंग। एक और पेज चलता हुआ, अब क्या राइट हैंड साइड से ये बंदा आ रखा लड़ाने हमसे। तो नीचे से हमारी पतंग रेड सर्कल के अंदर, ऊपर से अपोनेंट है ब्लू सर्कल के अंदर, ये बंदा राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है। अब मेरी छत ना बीच में है कि मैं राइट हैंड साइड वाले बंदों से लड़ा देता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड वाले बंदों से लड़ा लेता हूँ, तो यही फ़ायदा है इस वाली छत का। इस वाले पेज में देखते हैं क्या करेंगे, अपोनेंट पूरा मुंह पकड़ के चल रहा है। मैंने बाहर की दिखाई रोकी, उसने गद्दा मारा, मैंने चक्कर डाले सीधा गद्दा का, कोई मार रहा है ना और हवा अच्छी चल रही है, बस आप पतंग को या तो झटकों पे रख लो या फिर चक्करों पे रख लो, दोनों में आप पतंग काट दो। हमने चक्कर डाले और आराम से वाला पेज हमने काट दिया है। एक और पेज इस वाली पतंग से, दो तीन पतंगें काट दी है, नीचे से हमारी पतंग रेड सर्कल के अंदर, ऊपर से अपोनेंट है, हाथ क्रम चल रहा हूँ, उसने काफ़ी जल्दी पतंग छोटी कर ली, सीधी खींची, मैंने डोर छोड़ी, उसने भी डोर छोड़ी है। अबे यार अब यहाँ से रहता हूँ, क्या गलती हो गई, ऊपर से जो दूसरा बंदा था ना उसने अपनी पतंग में गद्दा मार दिया, तो मैंने अपनी पतंग बचाने के लिए जैसी पतंग खींची तो मेरी यहाँ पे पतंग कट गई। और पीछे देखो एक और पतंग कट के आ रही, देखते हैं कहाँ गिरेगी, गई सामने, वो गिर गई। आगे पतंगबाजी देखो यार कितनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी आ चुकी है, पतंगबाजी एकदम पीक में आने वाली है अपने, मज़ा आएगा वीडियो देख के, जितनी भी आने वाली वीडियो है। तो हमारी पतंग तो कट गई, लेकिन हमारे सर के ऊपर ही एक पेज चल रहा था, तो हमने सोचा ये वाला पेज कवर कर लेते हैं। चलो भाई, तो जो पतंग लंबी दिख रही है ये बंदा ऊपर चढ़ा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, और जिसकी पतंग छोटी है ये बंदा नीचे से है राइट हैंड साइड से, और काफ़ी ज़्यादा ये मुड्डे बचा रहा है यार नीचे वाला, जैसे ऊपर वाला मुड्डा रखता है अपनी पतंग बार बार बचा लेता है। पतंग वाली देखो इधर भी हो रही है, नीचे वाले ने काफ़ी ज़्यादा झोल तोड़ लिया है। केची अंदर का रुक दिखा रहा है, फिर रुका, देखो फिर मुड्डा बचाया इसने, काफ़ी ज़्यादा नीचे बुला लिया, ऊपर वाला कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर वाला कटेगा, कटेगा भाई, कटेगा कटेगा, क्योंकि वहाँ पे उसका पूरा झोल था, डोर उसकी टाइट नहीं थी, तो वहाँ पे गद्दा मारने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो दोस्तों अब हो चुकी है शाम, और पतंगबाजी अभी भी देखो हो रही है अच्छी खासी। तो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करेंगे, और आप लोग को अगर इसी छत से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि इसी छत से वीडियो चाहिए, तो रोज़ आपको यहीं की वीडियो मिलेगी, अब बस कमेंट कर देना। और नेक्स्ट वीडियो किस किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ग्राउंड काइट फाइटिंग या काइट लूटिंग के ऊपर, कमेंट जरूर कर देना। आज की वीडियो दोनों टॉपिक के ऊपर हमने बना दी थी, लूटिंग के ऊपर भी और ग्राउंड काइट फाइटिंग के ऊपर भी। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।